हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास सिक्स साइंस और इसमें चैप्टर रहेगा 3 तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें हम इसके बारे में पहले एक वीडियो में समझ चुके हैं। तंतु के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें तंतु किसे कहते हैं, तंतु से धागा कैसे बनाते हैं और पादप तंतु क्या होते हैं, तो ये सभी हम इससे पहले वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आगे कराऊंगा तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने सीखा तंतु से तागा कैसे बनाते हैं, अब हम तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो इसमें है देखो, आपके पास तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें प्रमुख दो विधियां हैं, एक बुनाई और एक बंधाई। बुनाई और बंधाई दो तरह की विधियां हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुनाई विधि देखते हैं क्या होता है। बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई होती है जब वस्त्र का निर्माण तागे के दो सेटों से हम करते हैं, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर जब हम बनाते हैं, यानी हम धागों के दो सेट लेते हैं और उनको एक व्यवस्थित रूप से हम एक साथ व्यवस्थित करते हैं, जिससे वस्त्र का निर्माण करते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तो बुनाई किसे कहते हैं, तो आपने इस में लिखना है कि तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तो बुनाई की अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आपने ये दे देनी है। तो ये इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए चित्र में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, बच्चे ने दो अलग अलग कलर के कागज़ लिए हैं इसने और इनकी ये स्ट्रिप्स काटी हैं इसने, ठीक है। तो एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। तो अगर दो सेट लिए हैं जैसे, तो यहाँ पे ग्रीन पट्टियाँ हैं ऐसे, ठीक है, और इनके बीच में इसने रेड पट्टियाँ लगाई हैं ऐसे। तो इस तरह से एक बुनाई की है। तो इस तरह से ही हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं और ये बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं और वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है, करघों पर, हथकरघों पर की जाती है। और ये करघे या तो हस्त प्रचलित हैं या मशीनों द्वारा, विद्युत द्वारा चलाए जाते हैं। यानी जो करघे हाथों के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें हथकरघा कहते हैं और कुछ करघे विद्युत मोटर द्वारा चलाए जाते हैं। तो हथकरघे तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, पुराने समय में, आज से 10-20 साल पहले घरों में या गाँवों में लेडीज़ दरियाँ बुन लेती थी अपने आप। तो वो हथकरघा ही था, उसमें भी धागे के दो सेट थे। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हो, तो ये कपड़े का, वस्त्र का निर्माण कर रही है, हथकरघा है ये, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, इसमें दो सेट धागों के लिए हैं, एक सेट तो ऐसे है और दूसरा सेट इनमें ऐसे डाल रही है ये, ठीक है। तो इस तरह से जब दो सेट धागों के लेते हैं और उनको हम व्यवस्थित करके बुनते हैं तो उसे बुनाई कहते हैं।
ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या आपने कभी देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? अब स्वेटर बुनते हुए भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, आपकी मम्मी या आपकी दादी नानी किसी ने आपके लिए स्वेटर ज़रूर बुना होगा, जब आप या आप अपने माँ बाप से भी पूछ सकते हैं। तो इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। यानी जब स्वेटर बुना जाता है तो धागे का केवल एक ही धागा लिया जाता है और उसी से पूरे स्वेटर का एक पार्ट बना लेते हैं। या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींच कर देखा है? तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, एक धागा लगातार खींचा चला जाता है और वस्त्र उधड़ता जाता है और मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली वस्तुएं ऐसी बुनाई से द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार की बुनाई हाथों से और मशीनों द्वारा भी की जाती है, तो इसे हम बंधाई कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो स्वेटर हाथों के साथ, तो एक ही धागा है इस गोले में से, एक ही धागा जा रहा है और सिलाइयों के द्वारा इसको बुना जा रहा है, तो इसे हम बंधाई कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, बंधाई। तो दोनों प्रकार की बुनाइयों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक है। तो इन दोनों विधियों का प्रयोग हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण में करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास वस्त्र सामग्री का इतिहास, यानी हमारे इतिहास में पुराने समय में लोग कैसे वस्त्र डालते थे, क्या करते थे। तो प्रारंभ में लोग जब वस्त्रों का की खोज नहीं हुई थी, तो पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं की चमड़े आदि से शरीर को ढकते थे। जब आदिवासी थे, मनुष्य जंगलों में भटकता रहता था, उसको अभी कुछ भी पता नहीं था, तब वो अपने शरीर को ऐसे ही ढकता था वृक्षों के पत्तों से और जंतुओं के चमड़े से। फिर कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन देखकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। तो धीरे धीरे कृषि का की खोज हुई और उन्होंने बुनाई सीख ली, धीरे धीरे वस्त्र बुनने सीख लिए। तो पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकट क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किए जाते हैं और प्राचीन मिस्र में भी लोग क्या करते थे, वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में करते थे। उन दिनों लोगों को सिलाई तो करनी नहीं आती थी, तो उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, यानी वस्त्रों से ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए।
और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु आप आज भी देखते हो कि लोग बिना सिले हुए कपड़े जैसे साड़ियां, धोतियां, लुंगियां, पगड़ियां आदि पहन लेते हैं, जो सिले हुए वस्त्र नहीं हैं, जो बिना सिले हुए वस्त्र हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप देखो वस्त्र निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले कपास का गोलक हमें मिला पौधों से, कपास के पौधों से, फिर उसको ओटा, ओटना आपको बताया मैंने पहले, फिर उससे हमें रेशे मिले। क्या मिले? रेशे। फिर उसके बाद रेशों की कताई की गई, कताई करके क्या होता है उसका धागा बनाया। तो धागा जब हमें मिल गया तो धागे की दो तरह से हमने बुनाई की और वस्त्र मिले। एक तो उसकी धागे की बुनाई करके हमने वस्त्र बनाए और एक बंधाई करके, तो दो तरीके से हमने धागे से वस्त्र बनाए। तो इस तरह से उसके बाद आपके पास प्रमुख शब्द आते हैं रुई, वस्त्र। रुई क्या होती है? ये हमें पटसन के पौधे से मिलती है रुई। फिर वह वस्त्र है। वस्त्र क्या होता है? धागों से बनाए जाते हैं वस्त्र, जिसका प्रयोग हम शरीर ढकने में करते हैं। फिर तंतु क्या होता है? तंतु जो होता है धागे में जो छोटी छोटी लड़ियां होती हैं जिनसे मिलकर धागा बनता है उसे तंतु कहते हैं। फिर कताई आता है। कताई होता है तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। फिर बुनाई, धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। और तागा, धागे से हम वस्त्र बनाते हैं और तंतु से तागा बनाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, इस पाठ का सारांश है ये, वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिसे तंतुओं से बनाया जाता है, यानी तंतुओं से तागा बनाते हैं, तागे से वस्त्र बनता है। फिर उसके बाद तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु में रेशम, ऊन, जूट है और संश्लेषित में नाइलॉन, पॉलिएस्टर है। फिर ये आता है रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। फिर है तंतुओं से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। और फिर है तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। ठीक है बच्चों। फिर अभ्यास के प्रश्न आते हैं, इसमें ये भी इसी के साथ कर लेते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न देखो क्या है इसमें। निम्न तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो जो रेड कलर की लाइन में है वो हमारे पास संश्लिष्ट हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर, और ऊन, रुई, रेशम, पटसन ये प्राकृतिक तंतु हैं। फिर दूसरे प्रश्न में आएगा आपके पास, नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य है। तंतुओं से तागा बनता है सत्य है, सही है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो इनके आगे सही लिखा हुआ है मैंने। गै भाग में देखो, जूट नारियल का बाहरी आवरण है, तो यह भी सही है। रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये भी सही है। फिर है तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सही। फिर है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये गलत है, क्योंकि रेशम जो है रेशम कीट से मिलता है। फिर उसके बाद है पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो गलत है, क्योंकि ये संश्लिष्ट तंतु है।
फिर तीसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, कपास और पटसन से। फिर है ऊन और रेशम जांतव तंतु है, क्योंकि ऊन हमें भेड़ों से मिलती है और रेशम हमें रेशम के कीट से मिलती है, जंतुओं से मिलती हैं। फिर चौथा प्रश्न है रुई तथा जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। तो रुई जो है हमें, रुई हमें मिलती है किससे भाई? रुई हमें मिलती है फल से, है ना, फूल से, सॉरी। जो पटसन होता है उसका फूल होता है जो, उससे हमें रुई मिलती है। और पटसन के तने से हमें, पटसन के तने से हमें क्या मिलता है? पटसन यानी पादप होता है, जो उसका तना होता है उससे हमें पटसन मिलता है। और कपास जो होता है उसके फूल से हमें रुई मिलती है, कपास के फूल से रुई। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। तो नारियल तंतु से हम अनेक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे टाट होते हैं, दरियां होती हैं, पायदान होते हैं, और रस्सियां भी इसकी बना सकते हैं हम, नारियल की रस्सियां भी होती हैं। तो आपने दो चीज़ें लिखनी है कोई भी। फिर छठा प्रश्न है, तो छठे प्रश्न में देखो आप क्या कहता है ये, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो तंतुओं से तागा कैसे बनाते हैं? तो इसका उत्तर है आपके पास, तो उत्तर में आप लिखोगे रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज को से रेशे को खींचते हैं और ऐंठते हैं, इससे धागा बन जाता है। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति, हमारे पास पहले तकुआ होता था, तकली कहते थे उसे, और धागा बनाने की दूसरी जो है हमारे पास चरखा है। और आजकल तो फैक्ट्रियों में मशीनें लग गई हैं धागा बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर पूरा हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे के पास इसको भेजना है, अपने दोस्तों के पास भेजना है, ताकि इसका वो भी फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, जय हिंद।